नमस्कार, आज की ये वीडियो में बताने जा रहा हूँ मैं भारत के वर्ल्ड कप के कुछ सुनहरे पल को, आज करते हैं रिवाइंड और देखते हैं और उसका उसके ही सीरीज में आज ये पहला जो इंस्टेंस है वो 2007 ऑल आउट वर्सेस पाकिस्तान, जहाँ पर भारत की तरफ से तीनों तीन गेंदबाजों ने स्टंप को किया था हिट और दूसरे ही साइड में पाकिस्तान के तीनों ही तीन गेंदबाजों ने किया था मिस, लेकिन वो नौबत आया कैसे था वो बता देता हूँ। तो इंडिया 2007 वर्ल्ड कप का ये स्कोर कार्ड टू मैच का कुछ ऐसा है कि भारत ने 20 ओवर में 141 रन बनाए 9 विकेट के नुकसान पर, जहाँ रॉबिन उत्तपा ने 50 रन की शानदार पारी खेली और महेंद्र सिंह धोनी ने भी रन जोड़े और भारत की तरफ से इरफान पठान ने 2 विकेट कटाया, आरजी सिंह ने तो 1 विकेट कटाई और हरभजन सिंह ने भी तो 1 विकेट कटाया और सबके बदौलत मैच हुआ टाई। और मैच टाई हुआ तो ये तीन गेंदबाजों तीनों तीन गेंदबाज ने भारत की तरफ से हिट किया स्टंप और उसके पीछे धोनी ने बताए कुछ रॉबिन उत्तपा ने बताए कुछ राज, जो महेंद्र सिंह धोनी ने मैच के चालू होने के पहले ही करवाया था इन लोगों को प्रैक्टिस स्टंप्स को हिट करने के लिए। तीन ये गेंदबाज हो गए थे पहले ही डिसाइड और जो दूसरा है वो धोनी प्रेजेंस ऑफ माइंड, धोनी दिमाग शातिर और बहुत अच्छे से गेम को नर्फ के समझते हैं और इन्होंने पहले 2007 का वर्ल्ड कप में इंडिया को 50 ओवर वर्ल्ड कप फिर इंडिया को 50 ओवर वर्ल्ड कप भी इन्होंने जिताया और एक अच्छी कप्तानी से लीडर फ्रॉम दी बैक से तीन टाइप की होते हैं लीडरशिप और तीन टाइप में धोनी लीड फ्रॉम दी बैक, विराट कोहली है कप्तान लीड फ्रॉम दी फ्रंट और रोहित शर्मा भी कप्तानी करते हैं लीड फ्रॉम दी फ्रंट, जो मैं करता हूँ वो काम करो, जो मैं कहता हूँ वो काम सबको करना चाहिए। और ये वाला मूवमेंट और ये तस्वीर आप सभी को होगा याद क्योंकि ये है मूवमेंट जब आखिरी के दो ओवर बचे थे, कोहली ने मैच में खेली थी शानदार पारी, धोनी ने गेंद को किया था डिफेंस और दूसरे ओवर में विराट को कहा था कि ओवर टू यू, आप करो गेम को अंत, आपका है ये मैच और आप ही इसको करेंगे अंत। तो ये सब मूवमेंट्स भी है धोनी के साथ जुड़ा और अब करते हैं चेस मास्टर धोनी की बात। साउथ अफ्रीका के सामने खेली थी एकदम स्ट्रगलिंग विकेट पर एक शानदार बेंगलुरु की पिच पर पारी 146 तक पहुंचाया था भारत को और धोनी ने 2014 में वर्ल्ड कप के साउथ अफ्रीका के सामने बनाए थे 72 रन 44 बॉल में 163.63 का था स्ट्राइक रेट, 5 चौका और 2 छक्का के साथ बेंगलुरु का था मैदान और वहां पर ये पारी खेलने के बाद सुरेश रैना की फर्स्ट टी20 आई सेंचुरी बाय एन इंडियन। सुरेश रैना जो तीनों फॉर्मेट में शतक लगाने वाले पहले खिलाड़ी बने थे भारत की तरफ से और फर्स्ट टी20 आई जो सेंचुरी था वो साउथ अफ्रीका के सामने 2010 के वर्ल्ड कप में आया था 60 गेंद में 101 रन 168 का स्ट्राइक रेट 9 चौका और 5 छक्का के साथ सुरेश रैना मिस्टर आईपीएल भी आज उनका नाम है और क्रिकेट से कर चुके हैं अब रिटायरमेंट ले चुके हैं, भारत के कलर्स में और नज़र नहीं आएंगे, आईपीएल में भी अब आपको नज़र नहीं आएंगे और उनकी ये पारी ने पहले 50 जो गेंद थे 50 गेंदों में सिर्फ बनाए थे 79-80 रन और लास्ट 10 गेंदों में 21 रन एकदम फटाफट बना के चेस में ये आया था शतक, तो वो भी एक बहुत ही मायने रखता है क्योंकि चेस में शतक टी20 आई गेम में शतक लगाना होता है बहुत मुश्किल। और इंडिया विनिंग द इनॉग्रल टी20 आई वर्ल्ड कप 2007 वर्ल्ड कप विजेता पाकिस्तान के सामने हुआ था फाइनल, ये है भारत
में पहले बल्लेबाजी करते हुए गौतम गंभीर 75 रन 54 बॉल्स में, यूसुफ पठान ने भी तो खेली थी शानदार और रोहित शर्मा का भी था योगदान। इरफान पठान ने मैच में चटकाए थे कुल 3 विकेट 8 के भी 3 और जितेंद्र शर्मा ने भी चटकाए थे 2 और वो याद होगा कैच भी श्रीशांत टेक्स इट इंडिया लिफ्ट द वर्ल्ड कप। तो वो वाला मोमेंट भी 2007 का था, धोनी के कप्तानी में आया था वो मोमेंट और इंडिया ने वर्ल्ड कप 24 सितंबर 2007 में किया था लिफ्ट द वर्ल्ड कप और ये बार तो 23 अक्टूबर को भारत खेलेगा पाकिस्तान के सामने हाई वोल्टेज का मुकाबला। और आप अगर अभी तक चैनल पर अगर आप नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और ऐसी क्योंकि बहुत सारी खबरें वीडियो आ रही है भारत क्या ये बार जीत सकता है कप।